और सिक्योरिटी वाले ने क्या, आप गेट से साइड पे हो जाए तो सारी आवाम इस साइड पे आ गई है, लेकिन जाने वाला नहीं है। डक्की को हम मिल के जाएंगे। गाइस डक्की भाई बाहर आ चुके हैं। गाइस ये देखिए डक्की भाई आ रहे हैं सामने से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका वेलकम माय यूट्यूब चैनल असद लाइन DLV के अंदर। गाइस आज की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि हम आज मिलने जा रहे हैं डक्की भाई से, जो कि पाकिस्तान के इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस शख्सियत हैं, यूट्यूबर हैं भाई बहुत बड़े। आप सबको पता होगा, जो भी इस वीडियो को जिसने भी मेरे चैनल की इस वीडियो को ओपन किया है तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने ओपन किया। और मैं आज मिलने जा रहा हूँ डक्की भाई से। डक्की भाई आ जाए हुए थे मुल्तान अचानक और मुझे कहीं से पता लगा है कि डक्की भाई स्टे कर रहे हैं द अरीना होटल, जो कि है DHA में। तो हम चलते हैं उधर द अरीना होटल में, जाके मिलते हैं डक्की भाई से। तो लेट्स गो, करते हैं यहीं से हमारी वीडियो की शुरुआत। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो चलें चलते हैं DHA। تبعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض। فاينلي تو آپ کا بھائی اس ٹائم اس ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں ہیں جی ڈکی بھائی۔ یہ دیکھو اور گائز رش بھی لگا ہوا ہے کافی زیادہ۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اکیلا ہوں گا لیکن تقریباً 15 سے 20 لڑکے ہیں۔ سامنے والی جو گاڑی کھڑی ہوئی یہ ہے جی ڈکی بھائی کی، اور سیکیورٹی والا نے کہا آپ گیٹ سے سائڈ پہ ہو جائیں تو ساری عوام اس سائڈ پہ آ گئی ہے، لیکن جانے والا نہیں ہے ڈکی کو ہم مل کے جائیں گے۔ گائز ڈکی بھائی باہر آ چکے ہیں۔ گائز یہ دیکھیں ڈکی بھائی آ رہے ہیں سامنے سے۔ डक्की भाई कैसे हैं? डक्की भाई के लिए आई प्रॉमिस होता लेकिन ना मैं तो यहीं से जल्दी जल्दी फोटो ले लो, मैं निकल रहा हूँ, मेरी फ्लाइट लेट हो रही है। डक्की भाई आपको सुबह से वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 2:30 बजे से वेट कर रहे हैं, गाड़ी में सो गए थे। अरे मैं प्रॉमिस होता लेकिन ना मैं तो सिर्फ एक 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 डक्की भाई को मिल लिया है। ओ गया डक्की भाई नहीं है, दिखाओ यार। सुबह से खड़े उन्होंने एक भी नहीं बनाई। ये देखो यार एक पिक तो बना लिया ना आपने। yes. जैसे कि आप सबने देखा मेरी वीडियो में, हम मिले हैं आज डक्की भाई को, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। उन्होंने हमसे हमारे साथ एक सेल्फी भी ली, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और थंबनेल में भी आपको पता लग गया होगा, आपने देखी होगी सेल्फी जो उनके साथ मैंने ली है। बट एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो मेरी वीडियो है ये मैंने पोस्ट की थी आज से तकरीबन 6 या 5 मंथ पहले, जिस पे मेरे व्यूज़ आए थे तकरीबन 9K। वैसे तो देखा जाए तो मेरे चैनल के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक व्यूज़ आए, लेकिन अगर यूट्यूब की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ हैं। तो आपको ये बात बता दूं कि मैं डक्की भाई से मिला था आज से तकरीबन 6 माह पहले। तो आप सब देखो कि आप सब ने अट्रैक्ट हो कि आप सब ने मेरी वीडियो को ओपन किया और आपने वीडियो देखी। मैंने आपके साथ कोई प्रैंक नहीं किया, ना ही आपके साथ कोई गलत खेल खेला या आपके व्यूज़ लेने चाहिए। तो मैंने कोई भी गलत व्यूज़ नहीं, कोई भी गलत चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है कि आपको गलत चीज़ दिखाई। पहले वाली वीडियो दिखा के मैंने आपको कहा कि मैं डक्की भाई से मिलने जा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है, मैंने आज उसके साथ थोड़ा सा खेल खेला। क्या खेल खेला? यही खेल खेला कि आज से 6 महीने पहले की वीडियो मैंने आज अपने YouTube चैनल पे डाल के
ये साबित किया कि मेरी जो वीडियो है अगर इस पे व्यूज़ आ जाते हैं तो 80% मुझे यकीन है कि जो मेरी वीडियो है ये जो मैं अपलोड करूँगा आज या कल जब भी अपलोड करूँगा शूट होने के बाद तो ये वायरल होने वाली है, कन्फर्म मुझे इस पे पूरा यकीन है। क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम इसी तरीके से हैक करना है, आप सब ने किस तरीके से हैक करना है कि आपने लोगों के माइंड को पढ़ना है, लोगों के माइंड पढ़ना है, लोग किस चीज़ की अट्रैक्ट करते हैं, किस चीज़ की तरफ जाते हैं। अब देखो यार, आप सब मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो पे आप व्यूज़ देख रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, वीडियो पूरी देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, जो भी आपकी राय है वो आप नीचे कमेंट में बता देना कि मैंने आपके साथ ठीक किया कि नहीं। मैं सिर्फ आप जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहता था कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को आप भी इस तरीके से हैक कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे अल्फाज आप यूज़ करते हैं, लोगों को अपनी तरफ ले आ सकते हैं। आज भी मैंने इसी तरह किया कि लोगों को अपनी तरफ खींचा ताकि लोग मेरी वीडियो देखें। यार एक चीज़ मैंने नोट की कि लोग जो इनकी वीडियो है, इनकी डक्की भाई की वजह से लोग आज मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन यार मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ और लोग आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते। मेरी वीडियो पे पिछले लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की है बड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे किसी वीडियो पे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को पॉइंट ऑफ रखते हुए मैंने ये सोचा कि डक्की भाई की जो पुरानी वीडियो है उसे अपलोड करके मैं आज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? और यार नाराज़ मत होना, ये थोड़ा सा मैंने एक प्लान किया, ये मेरा प्लान ए था और आगे मेरा एक प्लान बी आने वाला है, तो वो भी आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का मैं यूज़ करके अपनी एक और वीडियो जो है वो वायरल करवा सकता हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू, बाय बाय। यार मेरी भी वीडियो देखो यार, अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ और अच्छे अच्छे आगे वीडियो आने वाली है, ब्लॉग आने वाले, बहुत चीज़ें आने वाली यार, सपोर्ट करो। लव यू, शुक्रिया, बाय बाय।